हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करने वाले हैं सिर्फ चक्रास और जर्नी की ब्लॉकेज की रीडिंग। देखेंगे गाइस क्या आने वाला है हमारे जर्नी में 6-6 के पोर्टल के बाद जून में क्या आने वाला है और क्या चेंजेस और क्या अवेकनिंग्स हमको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग, हीलिंग या कुछ भी लेना चाहते हैं तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइज, लेट्स स्टार्ट आर रीडिंग। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे जर्नी में क्या चल रहा है इस वक्त और फिर देखेंगे क्या आने वाला है और क्या ब्लॉकेजेस को हमें हील करना है, क्या ब्लॉकेजेस डिवाइन मैस्कुलिन को होने वाले हैं और क्या डिवाइन हमें ब्लॉकेजेस जो है हील कराने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइज। और हाँ गाइज, अगर ये जर्नी जो भी आ रहा है आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो आगे की रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, फिर आप पेशेंटली रुकिएगा और जो रीडिंग के लिए आपको गाइड किया जाता है मेरे चैनल के वीडियोस देखिएगा, जो आपको गाइडेड है वो ही वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में दो लेवल के लोग आए हुए हैं, एक तो असेंडेड है काफ़ी ज़्यादा अपनी जर्नी में और एक है जो अभी न्यू आए हुए हैं। तो आप लोग के लिए ये रीडिंग शायद रेजोनेट ना करे अगर आप लोग न्यू हो तो। ठीक है गाइज, आप लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का असेंशन का जो रीडिंग रहने वाला है ये, तो आप लोग के लिए कोई और वीडियो जो है आप लोग को देखना चाहिए जो आपको पुराने वीडियोज़ में से रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स गो ऑन एंड लेट्स सी कि क्या, अगर आपके लिए तभी भी अगर आप नए आए हो तो रेजोनेट करता है तभी इट्स वेल एंड गुड, मतलब आप असेंडेड ही इस चैनल पे आए हो। सो गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि डिवाइन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा लेवल्स पर प्रोटेक्ट करने वाले, अगर आपका हार्ट ब्रोकन है तो आपको कार्मिक से बचाने वाले हैं, आपको एक हीलिंग वूम्ब में डालने वाले। देखिए गाइस, यहाँ पे गोल्डन हीलिंग लाइट रहने वाली है आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम तक। आपके लिए आर्कएंजल माइकल रहने वाले हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले, आपके लिए सारी डार्कनेस से लड़ने वाले हैं आने वाले जून में। ठीक है, और जैसे मैंने कहा ये बहुत ही हाई लेवल के लिए है और आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए गाइस जून में यूनियन भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है आपकी आपके ट्विन फ्लेम के साथ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस ये डिवाइन मैस्कुलिन जो है सारी नेगेटिविटी जो है, देखिए गाइस इस बोल में वॉमिट कर रहे हैं ब्लड का ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे इस बैलेंस कार्ड में। तो डिवाइन मैस्कुलिन की सारी नेगेटिविटी निकाल दी जा रही है। ठीक है, उनका सारा सब जो भी दिमाग का टॉक्सिक चीज़ है वो एंजल्स निकाल रहे हैं और उनको पॉजिटिविटी में रिस्टोर किया जा रहा है। ठीक है, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन अब सीरियस और रिस्पॉन्सिबल के साथ साथ चीयरफुल और मिसचीवियस भी आपको दिखाई देंगे, मतलब आपको उनका एक नया सा रंग देखने को मिलने वाला है, बहुत खुश हो जाएंगे आप। पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, अकेला टाइम आ रहा है आपके लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। और अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आप रातों को जागते थे बहुत ही ज़्यादा, तो आपके लिए हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस भी आपके हील होते हुए मुझे तो दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो जर्नी बहुत ही अच्छा है, जून के टाइम में बहुत ही कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और ठीक है, तो अगर आपकी करंट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है लेकिन आप 4 to 5 ईयर्स से इस जर्नी, वैसे तो जर्नी आप इस जर्नी पे बर्थ से ही रहे हो, आप ट्विन फ्लेम से ही बर्थ से ही ट्विन फ्लेम ही थे, ऐसा नहीं आपकी सिर्फ अवेकनिंग हुई, आपको सिर्फ याद दिलाया गया कि जब आपके ट्विन फ्लेम आए तो कि भाई ऐसा कोई जर्नी होता है, वरना आप हमेशा से उसी जर्नी में थे, बचपन से आप इसी जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आपको इसी जर्नी के वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स, हार्ट ब्रेक्स और ये शॉक्स का सामना करना पड़ा।
ये बहुत बुरी चीज़ हो गई गाइज आप लोग के साथ, लेकिन इट वॉज ऑल वर्थ इट इन द एंड जब आपका आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होगा तब, ठीक है। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा चांसेस आपके लिए बन रहा है कि आपका यूनियन हो जाए। चलिए गाइज और भी कुछ देखते हैं। ये तो अभी से 6-6 का देखा मैंने, करंट सिचुएशन 6-6 के पहले क्या क्या हो रहा है। अब देखेंगे गाइज पोर्टल के बाद आपके लिए कौन से चेंजेस नजर आते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज ये रीडिंग था जो 4 से 5 साल से इस जर्नी में अवेकेंड है। अब हम करेंगे आगे की रीडिंग जो पहले से ही अवेकेंड थे इस जर्नी में, मतलब जो अभी अभी आए हैं नए, अगर आपके लिए वो रेजोनेट किया तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा रेजोनेट, अगर आप अभी तक इस वीडियो पे हो तो ये रीडिंग आप लोग के लिए रेजोनेट करेगी। और मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज एंजल स्पिरिट्स डिवाइन जो है आपके दरवाजे पे रुके हैं, आपकी हीलिंग कर रहे हैं, मैजिकली आपके लिए लाइफ में थिंग्स चेंज कर रहे हैं। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनिन हो और आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हो, ठीक है गाइज। यहाँ पे तभी भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब आपको मैनिफेस्टेशन पावर्स मिलेंगे 6-6 के पोर्टल के बाद, आपको अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट सही ढंग से करने आएगा, आपकी जर्नी को आगे से मैनिफेस्ट करने आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक बड़ी क्यूट चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे दो फेरीज हैं, एक मेल है एक फीमेल है, और डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पे जो आपको हाथ दे रहा है अपना कि भाई आ जाओ, लेकिन डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे उसको दूर से एक फ्लावर दे रही है कि मतलब मैं अभी तुम पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने वाली, ठीक है, तुम पे इसको पकड़ो, अगर इसको नहीं छोड़ा तो फिर मैं आगे और आगे और आगे आऊँगी। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप डिवाइन फेमिनिन फॉलो करते हुए मुझे तो दिखाई दे रही है। तो इस बार डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं पहले जो है उंगली देंगी, अगर वो आप सही से पकड़ लिए डिवाइन मैस्कुलिन तो ही उनको जो है पूरा हाथ मिलेगा। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा चीज़ मुझे, बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन कुछ ढंग का तो सीखी। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या चक्रा ब्लॉकेजेस है आपके जो हील होने वाले हैं जून के महीने में। जून के महीने जेलसी आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और सेल्फ एस्टीम भी तो आपको बहुत कम लग सकता है, और आप सामने वाले से जेलस फील कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल डिवाइन फेमिनिन प्लीज ज़्यादा बड़बड़ करना बंद करें, ठीक है, मतलब की बात करना सीखे। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ गाइस कि आप, मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आपकी जो भी दिल की बात है वो बोलो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला मैं नहीं बोल रही हूँ कि मत करो बड़बड़ अपना हार्ट ब्लॉक कर लो, लेकिन मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा तो गाइस बोलो, मैं बोल रही हूँ बोलो, लेकिन अपने सोल फैमिली के साथ बोलो, ठीक है। तो आपके सेक्रल चक्रा के ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, आपके पास के अब्यूज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई देंगे, आप बहुत कन्फ्यूज होंगे क्या बात करें कैसे बात करें। देखिए गाइस ज़्यादा बोलना भी एक स्पीच डिफेक्ट होता है, कुछ ना बोलना भी एक स्पीच डिफेक्ट होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा बोलने वाला स्पीच डिफेक्ट मुझे आपका हील होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड एंटी सोशल, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको फ्रेंड्स चाहिए, आपको अपने टाइप के फ्रेंड्स चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है आप लोनली फील कर सकते हो, और आपको ऐसा लग सकता है मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई चाहिए बात करने के लिए, सही बात है, मैं नहीं बोल रही हूँ गाइस कि ये गलत बात है, ज़रूर आपको कोई चाहिए और आप अच्छे फ्रेंड्स भी बनाओ, लेकिन आप जिससे बात कर रहे हो कम से कम वो तो देखो कि वो आपकी लेवल की बातों को समझ भी रहे हैं या नहीं। अगर आप दुनिया वालों के साथ ट्विन फ्लेम की बातें करोगे तो आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा, फिर से आपको सेल्फ इश्यूज सेल्फ एस्टीम इश्यूज आपको कम लगेगा, आपको लगेगा मैं इस दुनिया के लायक नहीं, मैं किसी के लायक नहीं, पता नहीं क्या 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 है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इससे बेटर है आपको अगर कुछ बात करनी भी हो तो ऐसे लोगों के साथ बात करो जो आपको थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर सके, जितना मर्जी बात करो लेकिन ये थोड़ा सा आंखें खोल के देखो कि किससे बात कर रहे हो, ठीक है। और जो लोग आपके वो
बातों को समझेंगे ही नहीं, जो इस दुनिया में ओवर फंसे हुए हैं उनके साथ तो कम से कम लेवल से बात करो, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज की रीडिंग यही ख़त्म करेंगे, फिर मिलेंगे गाइज कल, तब तक के लिए बाय बाय।